21 are the groups of the periodic table that are considered to contain non-typical transition elements, और वो ग्रुप इनमें से कौन सा होगा, 2B एंड 3B जिनमें नॉन टिपिकल हैं, उसके अलावा बाकी पूरे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शामिल होते हैं। क्वेश्चन 22 है, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वुड बी मैक्सिमम इन टाइटेनियम, स्कैंडियम, क्रोमियम या वेनेडियम। तो आंसर हमारा होगा वेनेडियम, जिसके बाद उसूलन क्रोमियम में मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन अनयूजुअली उसमें कम होती है पैकिंग के चेंज होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है, एंड अदर नेम ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, नॉन टिपिकल या टिपिकल। तो इनर या आउटर में से कोई एक हो सकता है, और एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अल्फा ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द कलर ऑफ सोल्यूशन येलो होता है, ब्लू होता है, वॉयलेट होता है या रेड होता है। तो ये वॉयलेट कलर का नज़र आता है, क्योंकि ये येलो कलर एब्जॉर्ब करता है और रेड और ब्लू ट्रांसमिट करता है, जिनकी मिक्सिंग से वॉयलेट कलर हमें नज़र आता है। थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाई थी, उसी में से इसका उसूल निकलता है। 25 इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री प्रेजेंट इन दिस कोबाल्ट की 6 कोऑर्डिनेटेड है, तो ये फिर ऑक्टाहेड्रल हुआ करेगा। बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और वो अमाइन नहीं हो सकती, ऑक्सालेट होगा जिसमें दो COO नेगेटिव ग्रुप्स हैं। तो आंसर होगा इसका चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 27 है, द सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बीटा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है डायमैग्नेटिज्म की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, मैंगनीज है, PCl5 है या ये। अब DSP3 का मतलब है इसमें 5 कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और वो चार्ली ऑप्शन है जो 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल इस तरह से बनेगा कि फास्फोरस के गिर्द 3 क्लोरीन इस तरह से आएंगे और 2 इस तरह से मौजूद होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 इस टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक या मैंगनीज। तो वो मैंगनीज है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक को कहते हैं, ये डेफिनेशन है डी ब्लॉक में आउटर ट्रांजिशन की। आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। दिस वॉज अबाउट योर यू नो इनऑर्गेनिक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट के साथ आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट यूनिट में। अल्लाह हाफिज़।